हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इज, तो इन चार ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बायोमोलिक्यूल्स है और ये चार ऑप्शंस में सभी ऑर्गेनेलीज है, इसीलिए हमारा की कॉन्सेप्ट आ जाएगा ऑर्गेनेली रोल इन बायोमोलिक्यूल सिंथेसिस। चलिए अभी ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। लाइसोजोम, लाइसोजोम एक डाइजेस्टिव ऑर्गेनली है जो सेल की वेस्ट मटेरियल्स और सेल्यूलर डेब्री को ब्रेक डाउन करते हैं। ये एंजाइम्स को कंटेन करते हैं जो प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करते हैं। लेकिन ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन का साइट नहीं होता, इसीलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है वैक्यूल। वैक्यूल्स प्राइमरीली स्टोरेज ऑर्गेनलीज है जो प्लांट सेल्स में वाटर, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं। इनका रोल स्टोरेज और ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की सिंथेसिस नहीं, इसीलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है गॉल्जी अपैरेटस। गॉल्जी अपैरेटस का मेन फंक्शन प्रोटीन्स और लिपिड्स को मॉडिफाई, सॉर्ट और पैकेज करना है। ये ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स और लिपिड्स को रिसीव करते हैं और उन्हें ग्लाइकोसाइलेशन के थ्रू ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स में कन्वर्ट करते हैं एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है? शुगर मॉलिक्यूल्स का एडिशन, और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन का प्राइमरी साइट होता है, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। और ऑप्शन डी है प्लास्टिड। प्लास्टिड्स प्राइमरीली प्लांट सेल्स में फोटोसिंथेसिस और पिगमेंट सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लोरोप्लास्ट जो एक टाइप का प्लास्टिड होते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, लाइट टू केमिकल एनर्जी। प्लास्टिड्स का ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।